दोस्तों मात्र चंद सेकेंड में एचसीएफ कैसे निकालें अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने ध्यान से देखा तो ये आपका बड़ा है, ये छोटा है, तो आपका छोटे का बड़े में डिवाइड करना है, ठीक है। कितना, एक बार डिवाइड हो गया, माइनस किया, चार जीरो एक, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर यह जो माइनस करने पर संख्या आई है इसका वापस इसमें रिवर्स डिवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसमें वापस रिवर्स डिवाइड किया जाएगा, यह ध्यान रखें, यही महत्वपूर्ण बात है। देखिए आपका फर्स्ट स्टेप है, ये हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं डिवाइड करने का, तो आपका अब की बार भी कितना, एक बार डिवाइड हो गया, माइनस किया, कितना थ्री, ये आ गया, ठीक है। अब देखें फिर हमें क्या करना है, इसका वापस इसमें डिवाइड करना है, वन थ्री मल्टीप्लाई एट, कितना 104 आ गया, माइनस किया, जीरो आ गया। देखिए यहां पर जब हमारा जीरो आता है तो हमारा एचसीएफ मिल चुका है, यानी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब एचसीएफ कौन सा है, बिल्कुल सिंपल है, देखिए जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है और हमें जीरो मिला है वही एचसीएफ है। तो यहां पे हमारा एचसीएफ कितना निकल गया, ये हमारा एचसीएफ है, कितना है 13, ओके। अब देखिए आपने कौन कौन से स्टेप किए, यहाँ पे मैं आपके स्टेप लिख रहा हूँ। आपने फर्स्ट स्टेप किया, ये वाला फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे अपना डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है, हमने यहाँ जिस नंबर में डिवाइड किया वो आपका इक्वल टू रहता है इन दोनों के मल्टीप्लाई के, प्लस आपका ये जो माइनस करने पर आया कितना है 104, यानी आपका ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, तो आपका क्या रहता है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ओके। तो यह फर्स्ट स्टेप के लिए इसको लगा दिया। अब सेकंड स्टेप में इसके लिए लगाते हैं, देखिए सेकंड स्टेप 117 बराबर कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई प्लस ये जो माइनस करने पर आया, देखिए स्टेप थ्री, ये स्टेप थ्री है, तो इसमें आपका 104 इक्वल टू क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई प्लस आपका ये जीरो, और लास्ट में लिख देंगे अंत या एरो का चिन्ह लगाओ, और एच सी एफ इक्वल टू जिसके द्वारा ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी जीरो मिल गया। किसके द्वारा डिवाइड किया तब मिला, 13 के द्वारा, तो आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा बड़े से बड़े नंबर का आसानी से अपना एचसीएफ निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।